दुश्मन देशों की मिसाइलें समुद्र सीमा के रास्ते भी भारत पर हमला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने एक ऐसे हथियार की सफल टेस्टिंग की है जो दुश्मनों के मिसाइलों को समुद्री सीमा में घुसने से पहले ही उन्हें नष्ट करने की ताकत रखता है। यह हथियार बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के नजदीक ही खत्म कर देगा, यानी दुश्मन की नापाक मिसाइल भारत की धरती को छूने से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में बर्बाद हो जाएगी। इस हथियार का सफल परीक्षण 21 अप्रैल को हो चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर की पहली टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर ये टेस्टिंग किया गया था। इस टेस्टिंग का मकसद दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को भांप कर टारगेट करना और उसे नष्ट करना है। इस सफल टेस्टिंग से भारतीय नौसेना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD क्षमताओं वाले देशों के एक खास ग्रुप में जगह पक्की कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिप आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज के सफल प्रदर्शन में शामिल DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग को बधाई दी है। DDRNDD के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने मिसाइल की डिजाइन और विकास में शामिल टीमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश ने बेहद जटिल नेटवर्क केंद्रित बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली का विकास करने में आत्मनिर्भरता हासिल की है। खास बात है कि ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आता देख फायर हो जाएंगी, अपनी जमीन से 1,000 से 3,000 किलोमीटर दूर ही उनसे टकराकर उन्हें नष्ट कर देंगी। चूंकि इन्हें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM मिसाइलों को ध्वस्त करने के मकसद से बनाया गया है। आपको बता दें कि IRBM मिसाइलों की रेंज 3 से 5,000 किलोमीटर होती है। अगर चीन इतनी दूरी से मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या नौसेना उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। इससे पहले DRDO ने जमीन से आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था और इस तरह दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को बेअसर करने की क्षमता हासिल की थी। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।